Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एक बार फिर से मैं अपना सुबह का खास प्रोग्राम अखबारों की सुर्खियां लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और जिस खबर को लेकर बहुत इंतजार किया जा रहा था, जिसे एक वक्त अपराध की श्रेणी में डाला गया था, अब उस पर फिर से सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर को लेकर आज सारे अखबारों ने अपने फ्रंट पेज पर पब्लिश किया है। ये खबर जुड़ी है LGBT से, यानी कि समलैंगिक से। आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट गिव्स गे कम्युनिटी होप, अग्रीज टू रिव्यू सेक्शन 377 रूलिंग, ऑर्डर ऑफ नेचर नॉट अ कंस्टेंट। इसके साथ ही आप देख सकते हैं टू वेट ऑर्डर दैट रिक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी। साथ ही इसमें कई कहते बताया गया है पूरे विस्तार से कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैं आपको एक एक करके सारे अखबार दिखाऊंगी। आप NBT की हेडलाइन पे जरा गौर करिएगा, गे सेट गो, समाज में नैतिकताएं बदलती रहती हैं, इसके साथ कानून में भी बदलाव की जरूरत होती है। किसी की इच्छा को कानून से खत्म नहीं किया जा सकता है और सभी को अपनी पसंद नापसंद तय करने का अधिकार है, ऐसा कल कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट समलैंगिकता को अपराध बताने वाली धारा 377 पर अपने ही फैसले पर फिर से विचार करेगा। सोमवार को चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच ने दो बालिगों के बीच रजामंदी से बनने वाले संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने के लिए दायर याचिका संवैधानिक बेंच को सौंप दी। साल 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे संबंधों को अवैध करार दिया था। 5 LGBT समुदाय के लोगों की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि रजामंदी से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने वाले दो बालिकों को जेल में नहीं डाला जा सकता है, ऐसा प्रावधान गैर कानूनी यानी कि असंवैधानिक है। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अपनी सेक्सुअल पहचान के कारण ऐसे लोगों को डर के माहौल में जीना पड़ रहा है। उन्होंने अपनी दलील के समर्थन में 9 सदस्यीय संविधान पीठ की उस व्यवस्था का भी हवाला दिया जिसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया था। उनका तर्क था कि शारीरिक संबंध के लिए अपने साथी का चयन करना मौलिक अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि मामले में 2 जजों की बेंच ने फैसला दिया था, लिहाजा इस मामले की बड़ी बेंच में सुनवाई की जरूरत है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। अब आपको बताती हूँ कि धारा 377 है क्या। इसके मुताबिक दो बालिग रजामंदी से भी अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाते हैं तो 10 साल सजा से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं साल 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिकता को जुर्म करार देने वाली धारा 377 को असंवैधानिक करार दिया था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए समलैंगिक संबंधों को अवैध कहा। साल 2014 में दायर पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद ये नई याचिका डाली गई। इस पर देख सकते हैं आप, निजता पर फैसले के वक्त ही अदालत ने दे दिए थे संकेत। समलैंगिकों को अपराध करार देने वाले कानून पर फिर से विचार का संकेत उसी वक्त मिल गया था जब पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बता दिया था। यानी कि अब समलैंगिकों के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे इस खबर का। और ऐसे में अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपराध की श्रेणी में डाला था इसको, कि अगर आप अपनी मर्जी से भी फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसले पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है। इससे LGBT समुदाय जो भारत में है वो काफ़ी खुश है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे भारत की संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से गलत बताया था। बाकी देशों की अगर बात करूँ तो कई राज्यों में LGBT को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, कई देशों में इसे एक इसको मंजूरी दी गई है। हालांकि ज़्यादातर मुल्क इसके खिलाफ हैं, उन्होंने इसको अपराध की श्रेणी में भी रखा है और कई जगह फांसी की सजा का भी प्रावधान है इस मामले पर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कैट की। कैट में आप देख सकते हैं टॉप 20 क्लब में 2 गर्ल्स ने मारी एंट्री। देश के 20 IIM में एडमिशन के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि कैट में 20 कैंडिडेट्स ने 100% हासिल किया है। इनमें 2 लड़कियां भी शामिल हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी 20 स्टूडेंट्स ने 100% हासिल किया है। पिछले साल परफेक्ट 100 वाले सभी 20 कैंडिडेट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे और मेल थे, मगर इस बार टॉप 20 की लिस्ट में 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग से अलग फील्ड के हैं। टॉप 20 की लिस्ट में 2 लड़कियां भी हैं। IIM
आईआईएम लखनऊ की अगर बात की जाए तो कैट का आयोजन की ओर से कैट का आयोजन पिछले साल 26 नवंबर को 140 शहरों में आयोजित हुआ था। और देख सकते हैं आपकी 20 में से 3 नॉन इंजीनियर्स हैं और देश के 20 आईआईएम में करीब 4000 सीटें हैं। कैट 2017 के लिए 2.31 लाख स्टूडेंट रजिस्टर हुए थे और एग्जाम में करीब 2 लाख छात्र बैठे थे। देख सकते हैं आप यहाँ पर टॉप 20 क्लब में 2 गर्ल्स ने बारी मारी है और ये छवि गुप्ता हैं जिन्हें 100% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, इन्होंने हासिल किए हैं, और मधुर गुप्ता हैं जिन्हें 100% इंजीनियरिंग में हासिल किए हैं। यानी कि कैट को लेकर ये बड़ी खबर थी। उसके साथ ही बढ़ते हैं जनसत्ता की तरफ, और जनसत्ता की बात करूँ तो विरोध के बीच में पद्मावत 25 को सिनेमाघरों में, आपको बता दूं इसके बारे में, खबर के बारे में बताने से पहले थोड़ा पीछे लेके जाती हूँ आपको। 1 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली थी और फिल्म के डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली और उसमें काम कर रही हैं दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर। जो पटकथा है फिल्म की, जो कहानी है, वो पृष्ठभूमि है, वो पद्मावती जो महारानी थी उनके 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 चरित्र पर आधारित है और कहा मुगल शासनकाल को उसमें दिखाया गया है। इस पर काफी बवाल हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी जिसका रोल रणवीर सिंह ने निभाया है, पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच कुछ ऐसे सीन्स फिल्माए गए थे फिल्म में, जिसको लेकर करणी सेना यानी कि राजपूत जो सेना है राजस्थान की, उससे आपत्ति व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था, इन सेना का कहना था कि पद्मावती ऐसी रानी नहीं थी, उसको गलत तरीके से फिल्माया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ उनके संबंधों को दिखाकर उनके चरित्र को कहीं ना कहीं उनकी छवि गलत पेश करने की कोशिश की गई है फिल्म में, और ऐसे में काफ़ी बवाल हुआ। 1 दिसंबर को फिल्म रिलीज होने वाली थी, उसके बाद से जैसी फिल्म रिलीज जो डेट नज़दीक आई वैसे वैसे बवाल बढ़ता गया। उस समय यूपी में निकाय चुनाव होने वाले थे और 1 दिसंबर को मैंडेट आने वाले थे, और ऐसे में 18 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजे आने वाले थे, उस दौरान गुजरात में इलेक्शन थे, तो ऐसे में इस पर सियासत भी काफ़ी गर्मा गई थी। और फिर फैसला लिया गया कि इस फिल्म को साल के अंत में यानी कि दिसंबर के अंत में रिलीज़ किया जाएगा, नहीं तो साल 2018 की शुरुआत में। हालांकि खबर बीच में आई थी कि फरवरी में ये फिल्म रिलीज़ हो सकती है, लेकिन अब ये खबर आई कि 25 जनवरी को ये फिल्म रिलीज़ की जाएगी। और ऐसे में करणी सेना ने फिर से धमकी दी कि अगर फिल्म रिलीज़ की गई तो हम फिर से बवाल काट देंगे। इसमें आप देख सकते हैं आपकी हालांकि देख सकते हैं आप कई रुकावटों को पार करने के बाद संजय लीला भंसाली की विवादास्पद फिल्म पद्मावत 25 जनवरी को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। पद्मावती फिल्म का नाम बदल गया है, दर्शकों आपको बता दूं पद्मावत नाम से फिल्म रिलीज होगी। और उधर राजस्थान सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो फिल्म के विरोध में है और राजस्थान में इसे प्रदर्शन की अनुमति नहीं देगी, मगर कांग्रेस ने कहा है कि फिल्म शांतिपूर्ण ढंग से रिलीज हो सके, ये राज्य सरकारों का दायित्व है। और आप देख सकते हैं फिल्म की निर्माता कंपनी वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के सूत्रों ने इसके प्रदर्शन के बारे में जानकारी दी है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंसर बोर्ड ने पटकथा को लेकर विवाद में फंसी फिल्म को प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान कर दी है, और बोर्ड ने निर्माताओं से फिल्म का नाम बदलने और कुछ अन्य बदलाव करने को कहा था। पहले ये फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। फिल्म में शाहिद कपूर, जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी, शाहिद कपूर, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि फिल्म गणतंत्र दिवस एक दिन पहले 25 जनवरी को प्रदर्शित होगी, और इसमें कहा गया है वाईकॉम 18 ने कहा है अपने आधिकारिक बयान में कि कब जारी किया जाएगा इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। कि फिल्म व्यापार विश्लेषक तरण आदर्श ने ट्विटर पर फिल्म के प्रदर्शन तारीख की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि पद्मावत 25 जनवरी 2018 को रिलीज होगी। हालांकि वाईकॉम 18 ने कहा है, मोशन पिक्चर्स ने, कि फिल्म 25 जनवरी को प्रदर्शित होगी, इस बारे में आधिकारिक बयान कब जारी किया जाएगा इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन जो फिल्म एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा है, व्यापार विश्लेषक तरण आदर्श ने, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है ट्विटर पर कि फिल्म पर आगामी 25 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। लेकिन अभी फिलहाल फिल्म के निर्माता जो कि हैं वाईकॉम 18, उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। अब चलते हैं, आप बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में दिल्लीवासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है और केजरीवाल सरकार ने अपने एक चुनावी वादे को आखिरकार मुकम्मल तस्वीर देने का फैसला कर लिया है। और फैसला ये है कि दिल्ली में आप एक ही स्मार्ट कार्ड से करें मेट्रो व बस की सवारी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक बसों और मेट्रो की सवारी के लिए कार्ड जारी किया है। इस मौके पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने इसे परिवहन क्षेत्र में बड़ा कदम करार देते हुए कहा है कि देश में दिल्ली पहला शहर है जहां पर कॉमन मोबिलिटी कार्ड का इस्तेमाल होगा। फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 200 DTC बसों और 50 क्लस्टर बसों में अभी फिलहाल उसको उसकी अनुमति होगी, वहां पर चल सकता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहां पर ये हैं
ये खुशी मनाई जा रही है, जीत की खुशी है। राज्यसभा के निर्वाचित आप सांसदों को मिठाई खिलाते पार्टी कार्यकर्ता, ये संजय सिंह हैं ये कार्यकर्ता हैं, और ये सुशील गुप्ता हैं, और ये एनडी गुप्ता हैं, जो ये तीन चेहरे आम आदमी पार्टी की तरफ से जाएंगे राज्यसभा में। और कुमार विश्वास को लेकर काफ़ी चीज़ें काफ़ी बवाल हो रहा है आम आदमी पार्टी में, काफ़ी विवाद हो रहा है। हालांकि संजय सिंह ने कल कहा है कि जो हम कुमार विश्वास से बात करेंगे और मीडिया के जरिए बात नहीं होगी। चलिए बात करते हैं, और दिल्ली में ठंड से मरने वालों पर सियासत बहुत गर्मा रही है, और इसको लेकर केजरीवाल ने फिर से एलजी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा एलजी हमें निकम्मे यानी कि मन मुताबिक अफसर नहीं मिले हैं, इसलिए दिल्ली में ऐसा हो रहा है। 44 मौतें हो चुकी हैं राजधानी दिल्ली में अभी ठंड से, लेकिन इस पर सरकार बयानबाजी कर रही है और सिर्फ फैसले और नीतियां बनाने के अलावा कड़े एक्शन लेने के ना सोचकर बात कर रही है एलजी को लेकर। एलजी पर कहीं ना कहीं निशाना साधा है सीएम केजरीवाल ने, और फिर से वही एलजी और सीएम केजरीवाल विवाद। आप देख सकते हैं दिल्ली में ठंड से मौतों पर सियासत गरम। अरविंद केजरीवाल ने कहा है ट्विटर पर कि डोसिप के सीईओ को कारण बताओ नोटिस भेज रहे हैं। इस साल एलजी ने एक बेकार अधिकारी को इस पद पर नियुक्त किया है। एलजी अधिकारी को नियुक्त करने से पहले हमसे मशवरा नहीं करते हैं। तो वहीं अजय माकन जो कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालते हैं, गरीब और बेघर लोगों के लिए उचित प्रबंध नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप और भाजपा आरोप प्रत्यारोप में जुटी हुई है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर 44 लोगों की, आप देख सकते हैं दिल्ली में ठंड से 44 लोगों की मौत का आंकड़ा जारी होने के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दल जहाँ सरकार पर हल्ला बोल रहे हैं, तो वहीं केजरीवाल ने एलजी पर निशाना साधा है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं आरोप ये है कि सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया कि विधानसभा की कमेटी ने इस पद पर नियुक्त अधिकारी के सर्विस रिकॉर्ड को लेकर नकारात्मक टिप्पणी की थी। चीफ सेक्रेटरी कुट्टी अधिकारी का बचाव करने हाईकोर्ट पहुंच गए हैं, और एलजी कभी ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। तो वहीं दूसरी के सीईओ शूरवीर सिंह ने ठंड से मौत के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने बताया कि सुबह से ठंड से मौत की खबर आने के बाद मामले की पूरी जांच की है, पुराने साल के आंकड़ों का भी मिलान किया गया है। अभी तक ठंड से मौत का कोई मामला नया सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं सिनेमाघरों में राष्ट्रगान अनिवार्य हो, केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यानी कि बीते सोमवार यानी कि कल जो सोमवार था उस दिन की बात कर रहे हैं, ये राष्ट्रगान को सिनेमाघरों में बजाना अनिवार्य ना किया जाए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ ने 30 नवंबर साल 2016 को दिए एक आदेश में हर सिनेमाघर में फिल्म चालू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने का आदेश दिया था। इस दौरान दर्शकों को इसके सम्मान में खड़ा होना लाजमी किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दाखिल शपथ पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अवर सचिव दीपक कुमार ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रगान को अनिवार्य रूप से बजाने के बारे में दिशा निर्देशों के लिए गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय समूह का गठन किया गया है, और अपनी रिपोर्ट 6 माह में देगा। उसका गठन 5 दिसंबर को किया गया था। चलिए अब इतनी बड़ी खबर है, और इसके साथ ही जो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिस तरह से ठंड से मौतें हो रही हैं, 44 मौतों का आंकड़ा सामने आया है, लेकिन सियासत काफ़ी गर्मा रही है। साथ ही राष्ट्रगान को लेकर मैंने आपको खबर दी, कैट को लेकर खबर दी, और आम आदमी पार्टी में राज्यसभा सदस्यता को लेकर खबर दी। सबसे बड़ी खबर तो आज ये है समलैंगिकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार करेगा, उनको जो उनके अधिकारों को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया, यानी कि समीक्षा की जाएगी उसके बाद मालूम किया जाएगा कि आखिर इस पर आगे क्या होना है। तो वाकई आज समलैंगिकों के लिए कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा, और देखते हैं कि आप कोर्ट इस पर और क्या फैसले लेता है। दर्शकों अखबारों की सुर्खियों में आज बस इतना ही, कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगी मैं, तब तक के लिए नमस्कार।